टीवी चैनल लाइव घोड़ा दिल्ली से बात करेंगे दिल्ली के प्रसिद्ध समाजसेवी डीएस तोमर साहब। तोमर साहब, आज 12 नवंबर आपने ये माता का जागरण कराया है, इससे भी पहले कभी जागरण कराए हैं या ये पहला जागरण था? ये हमारा तीसरा जागरण है, दो जागरण पहले कराए माता का और हमने माता के इसलिए कराते रहते हैं जिससे कि हम हमारे घर में सुख समृद्धि और बच्चों का ना अच्छी तरक्की करें, लक्ष्मी का वास हो, शांति रहे हैं और सभी का कल्याण हो, ये सभी के लिए जागरूकता करते हैं। क्या हमारे लाखों को हाँ 12 नवंबर को हमने जागरण अपने ही मकान के बिल्डिंग के आगे मेन रोड ड्रमपुरी घोड़ा राज मोहल्ला 53 में ये हमने आयोजन कराया और अच्छे बड़ा काफ़ी डेकोरेशन और बड़ा अच्छे मेन रोड पर इसका प्रदर्शन कराया और नंबर कैदी का इलाज होंडा मेन रोड राजू मोहल्ला दिल्ली 53। अच्छी तरह से सुख शांति से हमारा ये जागरण जो है बिल्कुल सही तरह से सुबह 4 बजे तक चला। अक्सर धार्मिक कार्यों में तमाम गणमान्य व्यक्ति पहुँचते हैं, क्या आपके द्वारा कराए गए जागरण में भी कुछ ऐसे लोग पहुँचे थे जिनके बारे में बताएं? हमारे जागरण में हमारे विधायक श्रीधर शर्मा जी नोएडा के जो विधायक हैं और जो कैंटरबरी पब्लिक स्कूल के मैनेजर हैं वो सभी लोग और लोग आए और बहुत ही अच्छे अच्छे लोग यहाँ पर जो सम्मान लोग हैं वो हमारे जागरण में आए। जो लोग आज जागरण में हजारों लोग पहुँचे हैं, महिलाएं पहुँची, बच्चे पहुँचे हैं, वो तो जागरण माता की कृपा बरस रही है, जो लोग नहीं पहुँच पाए क्या उनके लिए कुछ संदेश देना चाहेंगे? तोमर साहब, जो नहीं आए पाए हैं वो उन्होंने सुबह प्रसाद लिया है और माँ के दर्शन भी करें, माता के जगह दर्शन करके और प्रसाद लेके गए सब लोग। क्या भारतवासियों के लिए माता के जागरण कराने के बाद में कोई शुकाना स्वरूप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, हमारी माता के जागरण से बड़ा हमारा सुख शांति घर में रहती है, सभी हमारे घर बच्चे तरक्की करते हैं पढ़ाई में और बिजनेस में कारोबार में बहुत तरक्की होती है, इसीलिए उनका आशीर्वाद माता का हमारे ऊपर हमेशा बना रहता है। देखते रहे हरे का सहारा टीवी चैनल लाइव। यदि आपने
चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली वो हर धार्मिक गतिविधि, वो हर समाचार आप तक सबसे पहले पहुंचे। यह हमारा वीडियो, यह हमारा हमारे द्वारा जो प्रस्तुति की जा रही है, यदि आपको पसंद आए तो इसको चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना कतई न भूलें। धन्यवाद। देखते रहे आर्य का सहारा टीवी चैनल लाइव दिल्ली से। ओम हरि ओम नाभ्या आशीर्वत् श्रीष्णो शंभरग्राम पदव्यां भूमि श्रोत्रां तथा लोकां अकल्पयन्नः पाद्यम अर्घमस्तं समर्पयामि चित्रपाल भैरव तेरी सदाही जय। जयकारा श्री राम सच्चे दरबार की जय। सभी हाथ जोड़कर माँ के लंगर को नमस्कार कर दीजिए। श्री श्याम म्यूजिकल ग्रुप अंडर द बैनर राजू दीवाने पार्टी और सुपर सिटी के साथ मां के जोड़ का स्वागत करते हैं। श्री श्याम म्यूजिकल ग्रुप Thank you.
से हम तेरी राह में आते
मेरा बिल्कुल बगल में मकान Thank you.
पालती है माँ
और क्या लिखा है, अपनी माँ को मना ये भी मान जाएगी, अपनी माँ को मना ये भी मान जाएगी, जो साथी तो आए तेरे काम आएगी, तेरे साथी तो आए तेरे काम, भगवान है भगवान को देखा जा रहा हाथ में है मगर फिर भी अनजाने हैं तब तेरे को पावा दाता की पहचान है, ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजाने हैं तब तेरे को पावा दाता की पहचान है, जो बोएगा वही पाएगा, जो बोएगा वही पाएगा, जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा, तेरा किया आगे आएगा, ये सब है क्या चल कर होता जैसी करी जैसी भरी करते करेंगे जी हाथ, क्योंकि सबसे बड़ी है और होता है और मन के अंदर कुछ और कुछ और होता है, इसलिए कहा है दिल को देखो चेहरा ना देखो, दिल को देखो दिल सच्चा और चेहरा झूठा, दिल सच्चा और चेहरा झूठा, दिल सच्चा आया मैं आया आया आया
ताली बजा लो, केक कट गया। ताली बजाते इस बात को बच्चे के लिए। और सेवा करते रहे, सदा खुशहाल रहे, जिस परिवार को जाने उस परिवार को शब्द बना दे। अंकल जी को अंकल आई आई आंखें बंद हो गई बेटा, मुझसे ये तो फोटो में दोबारा कर दूंगा, एक केक खिला हर बल की राधा,
है छप्पन भोग तैयार जी, उठा लाटा बढ़िया करे
माँ, आज तेरी लाडो से कौन सी गलती हो गई माँ, जो तूने मुझे पराया घर दे दिया। बेटी इतनी प्यारी होती है और सोचो इतनी प्यारी चीज किसी को दे देनी कोई हंसी मजाक बात नहीं होती। जब कहते हैं बेटी का जन्म होता है तो बाबुल के हाथ जुड़ जाते हैं, क्यों जुड़ जाते हैं, और बेटा होता है तो पापा के दोनों बटन खुल जाते हैं। बोलिए सच्चे दरबार की, बेटी क्यों ऐसी होती है। कहते हैं बेटी के लिए पूरा घर दे देते हैं, अपने आप को गिरवी रख देते हैं माँ बाप, पर फिर भी बेटी पराई हो जाती है और तब भी बाबुल हाथ जोड़ता है बेटी के लिए कि हमारे पास सिवाय बेटी के और कुछ भी नहीं। जिसने अपनी बेटी दे दी वो और क्या देगा। बेटी रोती हुई कहती है क्या, जिनको भजन अच्छा लग रहा है एक बार करो दोनों हाथ उठा करके। खेली कूदी मैं जिस आंगन में, वो भी अपना पराया सा धागे, वो भी अपना चेहरा नजर नहीं आता। बताएगा कोई किसका, बाबुल का चेहरा नजर नहीं आता बेटी को, क्योंकि पर बाबुल राजा की हिम्मत नहीं जो अपनी लाडो को विदाई देने के लिए दरवाजे तक आ जाए। घर के कोने में बैठ करके बाबुल राजा रो रहे हैं और दरवाजे पे खड़ी हुई बेटी अपने बाबुल को आवाज लगा रही है, बाबुल एक बार अपना चेहरा दिखा दे, तेरी लाडो हमेशा के लिए मेरा घर आंगन छोड़ करके जा रही है। पर बाबुल राजा की हिम्मत नहीं है अपनी लाडो को विदाई देने की और रोती हुई लड़की कहती है सबको मेरे सामने आए, सबको मेरे से दूसरे के घर में जाना होता है। कहते हैं बाप और भाई की कुछ भी औकात ना हो समाज में, पर यदि हमारी बहन बेटी से कोई कुछ कह देगा या तो हम मर जाएंगे या सामने वाले को मार देंगे। ऐसा कहना, ऐसी इज्जत होती है बेटी समाज की। और जब बेटी को बाबुल विदाई देने नहीं आते तो बेटी को विदाई उसकी माँ दे देती है, और जब बेटी की डोली चलने लगी तो माँ भी बेहोश होकर के गिर जाती है कि मेरे कलेजे का टुकड़ा मेरे को छोड़ के चल दिया, कोई भेज देगा तो आ जाएगी वरना नहीं आएगी। बेटी का जितना भी हक था बाबुल के घर पे सभी हक खत्म हो जाते हैं। बेटी रोती है और रोते रोते जब डोली में बैठ जाती है तो पीछे मुड़ कर कर देखती है कि मुझे हर कोई विदाई देने आ गया, पर बेटी को जब माँ की तरफ देखती है तो कहती है कि माँ इतना मत रो, यदि तुझे कुछ हो गया तो मेरे बाबुल के घर में अंधेरा हो जाएगा। माँ रो रही है
और बेटी माँ को चुप करा रही है कि बेटियां तो पराई है माँ, आज ना कल से दूसरे के घर में जाना है। और रोती रोती बेटी कहती है अपनी माँ को समझाते हुए, मेरा माँ से कहा है क्या, तेरे